मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ जिल्लत से हम किनार करता। नाज़रीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फबियय आला ही रब्बिकुमा तुकज्जिबान, कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। नाज़रीन किराम, आज हम आपके लिए एक और दिलचस्प और मौजू खेज वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। हमारी वीडियो का मकसद कि कायनात में अल्लाह ताला ने जो नेचर, जो खूबसूरत नेचर पैदा किया है, उसको हम आपके सामने लेके आए। हम पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और पहाड़ों की खूबसूरती आपके सामने इंशाल्लाह लेके आएंगे और जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं वो आपके सामने लाएंगे। नाज़रीन किराम, हम आपके लिए आज एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पहाड़ों में मौजूद छोटे छोटे चश्मे, उनके बारे में मालूमात भी देंगे और उनकी खूबसूरती के बारे में भी आपको बताएंगे और उनमें मौजूद मिनरल्स के बारे में बताएंगे और हमारी इंसानी सेहत के लिए उनका जो पानी है वो कितना मुफीद है उसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। नाज़रीन, हम आपको लेके आए हैं एक पुराने चश्मे के करीब जो बहुत ही शफायाब चश्मा है। यहाँ से जो पानी बहता है काफ़ी बुलंदी से बह रहा है और ये जो पानी है ये टाइफाइड बुखार के मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है और यहाँ से मुख्तलिफ लोग जो है यह पानी भर के लेके जाते हैं जो बीमार लोग होते हैं और अल्लाह ताला ने उनको इस पानी से शफा भी दी है। मौजूद सामईन, ये चश्मा कुदरत के दिल फरेब नज़ारों में से एक है और अल्लाह ताला के नेक बंदों को दिया जाने वाला एक खसूसी तोहफा है। इसी आब शफा को मुख्तलिफ अमराज में बतौर दवा इस्तेमाल किया जाता है। सामईन, करीब रहने वाले लोग इस चश्मे का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ जहां ये चश्मा मौजबे शिफा है, दूसरी तरफ ये अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का मुंह बोलता सबूत है। जब ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, फबियय आला ही रब्बिकुमा तुकज्जिबान। आए नाज़रीन, हम चलते हैं इन चश्मों के इर्द गिर्द में रहने वाले मकीनों के पास, उनसे पूछते हैं कि इस चश्मों से जो पानी बहता है उसका वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, हम आए हैं यहाँ पे इलाका मकीनों के पास जो इन खूबसूरत चश्मों के करीब तरीन रहते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो चश्मों का पानी है इसको किस तरह ये इस्तेमाल में लाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माजिद भाई हैं हमारे साथ जी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। माजिद भाई, हमें ज़रा बताइए कि ये जो चश्मों का पानी है इसको आप किस तरह इस्तेमाल में लाते हैं। ये जो चश्मे ना, ये कुदरती तौर पर ज़मीन से पानी निकलता है जी जी, और इसके लिए हमने छोटे छोटे गड़े से बनाए हुए हैं जहाँ से ये पानी हासिल किए जाते हैं। ये तो तकरीबन 2-2.5 सदियों से हम यहाँ पर रह रहे हैं जी जी, तो ये तो वैसे ही लगातार बह रहे हैं चश्मे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप जानवरों को इस्तेमाल में लाने के लिए पानी एक छोटी छोटी हौजियाँ बना लेते हैं, तो ये क्या दुरुस्त है और अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? जी, बिल्कुल ये दुरुस्त है, क्योंकि जो पानी का होता है ना मौसम सरमा और जब बारिशें वगैरह होती हैं जी, तो पानी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हो जाता है, फिर वो जो आज से बह रहा होता है हम आगे छोटी छोटी हौजियाँ बना लेते हैं ताकि इसमें ये जमा हो जाए और जब मौसम गर्मा आता है कि तो जब गर्मा का मौसम आएगा तो जरा हमारे पास पानी काफ़ी मिकदार में स्टोर है। तो नाज़रीन, हम आपको लेके आए हैं एक और खूबसूरत चश्मे की तरफ जिसका पानी इंतहाई लजीज और मीठा है और यहाँ के जो लोग हैं वो इसे इस्तेमाल भी करते हैं। हम भी यहाँ करीब ही रहते हैं, अफ्तारी का टाइम भी करीब है तो हमने सोचा कि हम अफ्तारी भी करेंगे यहाँ करीब बैठ के और आपको पानी का भी नज़ारा करवाएंगे और हम खुद भी यहाँ से पानी लेके जाते हैं और वो पानी जो है हम इस्तेमाल करते हैं। आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं चश्मा ज़रा। यूं तो कुदरत के हर रंग में मिठास है, मगर चश्मों का पानी अपने अंदर मिठास के अलावा बहुत सी खूबियां रखता है। पानी हमारी कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाता है और बेहतर सेहत का जामिन है। ये पानी बुलंदो बाला पहाड़ों से होकर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से मिलाप करने के बाद चश्मों तक पहुंचता है, जिसमें तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। जब बारिश पहाड़ों की बालाई सतह पर बरसती है तो पानी खुद ब खुद निचली सतह की जानिब दबा दबा हो जाता है और चश्मों तक पहुंचता है।
ये दिल फरेब मनाजिर और पानी कुदरत की एक अजीम नेमत है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी इस तरह की दिलचस्प वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ की अमानी।